वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस के कारण वरुण धवन, नताशा दलाल से लेकर अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा तक की शादी में आई है रुकावट। आइए हम आपको बताते हैं और किन किन की शादियों में आई है कोरोना वायरस से रुकावट। इस समय से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर कोरोना वायरस का प्रभाव देखा जा सकता है। इस महामारी ने दुनिया भर के काम रोक दिए हैं और लोग अपने अपने घरों में बंद पड़े हैं। कोरोना वायरस के कारण हर देश में लॉकडाउन है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा की चीजों पर तो प्रभाव पड़ा ही है, उसके साथ साथ लगातार शादियां भी टालनी पड़ रही है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के भी कई सारे कपल्स ऐसे हैं जिनकी शादियां कोरोना वायरस की वजह से आगे बढ़ानी पड़ी है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अक्सर दोनों शादी की खबरों को लेकर चर्चा में रहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये जोड़ी 22 मई को थाईलैंड में शादी करने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब इसे टालना पड़ गया है। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा लगातार अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियां में बने रहते हैं। सुनने में आ रहा है कि इस साल ये कपल शादी के बंधन में बंध के अपने फैंस को सरप्राइज देगा, लेकिन कोरोना वायरस के कहर ने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फरहान अख्तर, शिवानी दांडेकर करीबन 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों स्टार इस साल शादी करने में मूड में थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से दोनों की शादी टाल दी गई है। मिर्जापुर स्टार अली फजल और रिचा चड्डा इस साल एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से दोनों ने अपनी शादी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। एमी जैक्सन, जॉर्ज पाइनोयोटो। बॉलीवुड एक्ट्रेस एमी जैक्सन भी इस साल अपने मंगेतर जॉर्ज पाइनोयोटो से शादी करने वाली थी, लेकिन उन्होंने भी कोरोना वायरस की वजह से शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। चीजें नॉर्मल होते ही दोनों ग्रीस में शादी कर लेंगे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल में से एक हैं। दोनों स्टार्स फेक वेडिंग कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंस इनकी शादी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। लेकिन ऐसे सभी फैंस की इच्छा अगले साल पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भी अगले साल शादी करने वाले हैं। मनोरंजन जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका क्या है कहना हमारे वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।